हाय गाइस, वेलकम टू मृत्युंजय भारत। इस वीडियो में हम लीप ईयर का प्रोग्राम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फाइल के फोल्डर में जाते हैं और वहां से जावा वाला जो फोल्डर है उसमें हम जाते हैं और उसमें टाइप करेंगे नोट पैड स्पेस लीप वायर डॉट जावा, जिससे मेरा नोट पैड ओपन होगा और उसमें एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हम इंटर मारेंगे और इस फाइल को काट देते हैं, नोटपैड को काट देते हैं। और यहाँ से जब मैं दूसरा एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ, कोड ब्लॉक का एडिटर है, तो आप नोटपैड का भी एडिटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं कोड ब्लॉक का एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं हम अपना कोड लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इम्पोर्ट, जो जावा का पैकेज होता है वो इम्पोर्ट लीप नहीं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट जावा यूटिल जावा डॉट util इसके बाद डॉट स्कैनर। ये मेरा जावा का जो पैकेज है वो हमने यहाँ उसको सबसे ऊपर में डिफाइन किया। उसके बाद क्लास को डिफाइन करेंगे, क्लास लीप YR, जिस नाम से हम फोल्डर बनाए हैं, फाइल क्रिएट किए हैं, उसी नाम का क्लास क्रिएट करेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो होता है वो लिखेंगे मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग आर्ग्स इसमें कैपिटल S होना चाहिए। इस एडिटर का यूज करने से हमें यही फ़ायदा है कि हमें जो पैरेंथेसिस या फिर जो करली ब्रैकेट को ओपन क्लोज इसमें ऑटोमेटिक हमें दे दिया जाता है। तो यहाँ से हम इन टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं ईयर, उसके बाद यहाँ स्कैनर SC जो होता है वो हमें ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर SC न्यू डॉट स्कैनर। स्कैनर में हमेशा याद रखिएगा कि S जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम सिस्टम डॉट इन करेंगे, सिस्टम डॉट इन यानी कि जो SC नाम का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया जो सिस्टम में काम करेगा। उसके बाद यहाँ से हम आगे क्या करेंगे कि एक मैसेज के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब मैसेज जो यूजर जो कीबोर्ड से ईयर को प्रेस करेगा कि मतलब कौन सा ईयर को चेक करना है, वो हम यहाँ से मैसेज एक प्रिंट करवा लेते हैं। तो इंटर द ईयर विच यू वांट टू मतलब चेक, ये कुछ भी आप मैसेज यहाँ आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ही मतलब अपना जो सोच है उस हिसाब से आप यहाँ मैसेज दे सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ एक ईयर में क्या करेंगे कि ईयर इक्वल टू SC सॉरी डबल इक्वल टू नहीं SC के बाद डॉट न्यू नहीं न्यू नहीं ईयर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इंट में क्या करेंगे कि हमारा कैपिटल I होना चाहिए, नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल इंट, उसके बाद फिर यहाँ सेमी कॉलन, और यहाँ एक कंडीशन हम चेक करेंगे कि इफ़ ईयर इक्वल इक्वल टू जो मेरा ईयर इक्वल इक्वल टू या फिर ईयर को मोड कर देते हैं मोड करें ईयर परसेंट 400, यानी कि अगर ईयर जो है 400 से पूरा पूरी डिफाइन हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, तो मेरा जो है वो ईयर वो क्या हो जाएगा कि लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि अगर 400 से उस ईयर को डिवाइड करेंगे अगर जीरो आ जाए तो वो जो ईयर है यानी कि जो यूजर द्वारा इनपुट लिया गया है वो लीप ईयर होगा। तो यहाँ मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ईयर इज़ लीप ईयर, या फिर पहले ईयर को हम यहाँ ले लेते हैं। तो सबसे पहले ईयर को प्रिंट कर लेते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं और यहाँ लिखेंगे ईयर प्लस, ईयर के साथ प्लस का इसलिए यूज किए हैं क्योंकि हमें मैसेज
प्लस वेरिएबल दोनों का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ईयर का यूज किए और ईयर इज लीप ईयर। ईयर इज लीप ईयर। उसके बाद यहाँ हमें क्या करना है कि सेमी कॉलन प्रेस करना है, उसके बाद इस इफ से बाहर निकल जाएंगे। इस इफ से बाहर निकलने वो सॉरी एक और मेरा एक्स्ट्रा यानी कि कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज हो गया, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से हम इल्स इफ का यूज करेंगे। इसको सेट कर लेते हैं इल्स इफ। एक और यहाँ हमें कंडीशन हो सकता है कि अगर 100 से डिवाइड हो तो क्या वो लीप ईयर होगा, तो यहाँ हम वो भी कर लेते हैं कि जब 100 से अगर किसी का मतलब वो ईयर को जब डिवाइड करेंगे जो यूजर द्वारा इनपुट लिया गया है तो उसका जो रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए तो वो लीप ईयर नहीं रहेगा। यानी कि ईयर परसेंट 100 इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर ये रहेगा तो मेरा ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि यहाँ हम एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर वाला, तो देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ सिर्फ क्या करेंगे कि पेस्ट कर देते हैं। मैसेज तो सेम रहेगा और यहाँ हम कर देंगे कि ईयर इज नॉट लीप ईयर, यानी कि जो ईयर आएगा वो लीप ईयर नहीं रहेगा। कॉपी पेस्ट इसलिए किए कि हमें जो टाइम का बचत हो गया इसमें। और उसके आगे फिर चलते हैं फिर से यहाँ कंडीशन एक और हम यहाँ चेक करेंगे क्या कि जो ईयर है वो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से अगर डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो भी लीप ईयर होगा। तो यह ऐसा अगर रहेगा तो मेरा जो ईयर है वो लीप ईयर रहेगा। उसके बाद यहाँ इल्स में हम क्या करेंगे कि अगर इसमें से कोई नहीं हुआ मतलब कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये लीप ईयर नहीं रहेगा ऑटोमेटिक। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऊपर वाला जो मैसेज हमने किया है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ईयर इज नॉट लीप ईयर। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा रन करवा लेते हैं और ये सेमी कॉलन को हम काट देते हैं। ये सी लैंग्वेज का कोड ब्लॉक इसलिए ये ऑटोमेटिक ले लेता है, तो हम सिर्फ एडिटर के नाम पर इसको यूज कर देते हैं। तो चलिए इस फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करेंगे और यहाँ से मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया और यहाँ हम रन करवाएंगे इसको। जैसे ही रन करवाएंगे जावा सी लीप ईयर डॉट जावा, ये मेरा कंपाइल होगा, रन नहीं इसे कंपाइल करते हैं इस तरीके से कंपाइल होगा। अगर ये कंपाइल अगर रन प्रोग्राम सही रहेगा तो रन करके सॉरी यहाँ तो मेरा कुछ एरर है, तो एरर हाँ एरर हमने यहाँ क्या ले लिया एरर देख लेते हैं एक मिनट फिर से रन कंपाइल करके। ईयर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ओ यहाँ इंट लेना है, इंट मेरा छूट गया तो कैपिटल आई होगा तो वहाँ ले लेते हैं और फिर से रन इसको कंपाइल करवाते हैं। तो कंपाइल हो गया मेरा और इसको हम रन करवा देते हैं। तो लीप देखिए जैसे ही रन हुआ इंटर द ईयर तो हम 2003 देखिए 2003 इज नॉट लीप ईयर, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो फिर से एक और बार हम इसको रन करवाते हैं जावा लीप ईयर, फिर से यहाँ हम प्रेस करेंगे 2004 तो 2004 जो है वो मेरा लीप ईयर है। फिर से एक और चेक कर लेते हैं तो उसको रन करवाते हैं जावा, फिर से यहाँ इंटर द ईयर 2020-2021। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना हो तो सैनिटाइजर उस पर उछाल दें क्योंकि कोरोना में हमें बच कर रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।